हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हमने स्टार्ट किया था सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 7B स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें हमने 10 MCQs कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम इसके बैलेंस MCQs करेंगे, ठीक है ना। जिसने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें मैंने इसका पूरा इंट्रो और साथ के साथ हाउ टू एज दिस पेपर उसकी भी स्ट्रेटजी डिस्कस करी है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही इस वीडियो पर आइएगा, ठीक है ना। और उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से MCQ की बुकलेट निकालते हैं और MCQs को भी आसान बनाते हैं। MCQ नंबर 11, what involves formulating, implementing and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives. क्या क्या इन्वॉल्व है? फॉर्मुलेटिंग भी, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा ये किसी की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है बताओ? अपना जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं उसी की डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। एक बार मैं इस डेफिनेशन को दिखा भी देती हूँ नोट्स में से, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये दे रखी है आपको इसकी कंप्लीट डेफिनेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पर देखो हमने फॉर्मुलेट कर दी स्ट्रेटेजी और यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और साथ के साथ इवेल्युएट भी कर रहे हैं। इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शंस वेयर डीम्ड अप्रोप्रिएट। ये पूरी थी आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसी में से आपका MCQ बना है, ठीक है ना। और ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताओ या फिर लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आपको स्टार्टिंग यही से करनी है। पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी इम्पॉर्टेंस और लिमिटेशन, जो भी क्वेश्चन ने पूछा वो आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड दी लास्ट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। यही इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये SM की डेफिनेशन ही थी। MCQ नंबर 12, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाता है ज़्यादा? तो मैंने इसको पहले भी आपको बताया था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टीड ऑफ रिएक्टिव। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोएक्टिव बने, जिससे वो पहले से ही फोरकास्ट करके चले एनवायरनमेंट को और वो अच्छे से अच्छे प्लानिंग करें। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा प्रोएक्टिव। डी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट, ठीक है। ये किस में से है? ये भी आपकी इम्पोर्टेंस में से है। एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इट हेल्प्स अस इन बीइंग प्रोएक्टिव इंस्टीड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोएक्टिव बने इंस्टीड ऑफ रिएक्टिव। और ये मैंने आपसे बोला भी था कि इम्पॉर्टेंस और लिमिटेशन इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ये हो गया हमारा कंप्लीट MCQ नंबर 12। नाउ कम टू द MCQ नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अच्छे से डिफाइन करता है, यानी कि करेक्टली एक्सप्लेन करता है? तो पहला ऑप्शन है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिसीजन। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि हम जो भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं उसको अच्छे से ले पाएँ। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहेंस द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। यानी कि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा चले, इसमें भी कौन हेल्प करता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर सी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन इनएक्सपेंसिव प्रोसेस। बोल रहे हैं इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है, बिल्कुल गलत। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा इनएक्सपेंसिव नहीं है बल्कि कैसा है, कॉस्टली प्रोसेस, एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसमें बहुत पैसा लगता है। अब पैसा क्यों लगता है? क्योंकि इसमें टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसी वजह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत पैसा लगता है। और ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा पैसा नहीं लगता, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर डी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर रिएक्टिव देन प्रोटेक्टिव। गलत बोल रहे हैं बिल्कुल। मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टीड ऑफ रिएक्टिव। वो बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्लानिंग करो ताकि आप प्रोएक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा बनो और रिएक्टिव कम। और यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा स्टेटमेंट लिख दिया, यानी कि ये भी गलत है। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट हमारे दो सही है, पहला और दूसरा। तो अब देखते हैं पहला और दूसरा किस किस ऑप्शन में है। ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट है और इन्होंने बोला ही था कि हमें करेक्टली वाला सिलेक्ट करना है। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसका फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और ये जो है ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिसीजन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्गेविटी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टीड ऑफ रिएक्टिव, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अभी मैंने दिखाए थे इसलिए अब मैं दोबारा नहीं दिखा रही। अब चलते हैं MCQ नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। कौन सा इनमें से लेवल नहीं है, यानी कि बाकी के लेवल होंगे, सिर्फ एक नहीं होगा। देखते हैं कौन सा नहीं है। कॉर्पोरेट लेवल ऑप्शन ए, बिजनेस लेवल ऑप्शन बी, डिविजनल लेवल ऑप्शन सी एंड फंक्शनल लेवल ऑप्शन डी। ये मुझे आप बताइएगा क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी ये 3 लेवल बताई थी, कौन कौन सी होती है। अब मुझे इसका आंसर आप देना जब तक मैं नोट से दिखाती हूँ। वेरी गुड, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो 3 लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। यानी कि कॉर्पोरेट लेवल सही है, बिजनेस लेवल सही है, फंक्शनल लेवल सही है। कौन सा इनकरेक्ट है, डिविजनल लेवल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डिविजनल लेवल। MCQ नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कौन सी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस तो ऐसे होंगे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन होगी और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन नहीं होगी। हमें वही सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप इन फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी दिक्कत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यही आती है कि हम लोग एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते क्योंकि एनवायरनमेंट बार बार चेंज होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर बी को छोड़ना, अभी सी पर चलते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ऑप्शन नंबर डी, डिफ़िकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स। बिल्कुल सही बात है। हमारी जो स्ट्रेटेजी बन जाती है उसके बाद जो कॉम्पिटिटर है वो हमारी स्ट्रेटेजी पर किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा हमें ये भी नहीं पता होता। ये एस्टिमेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए ये भी हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या हो जाती है, लिमिटेशन। तो ए, सी और डी तीनों हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन है। तो बताओ कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। ऑप्शन नंबर बी को एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू टू मच प्लानिंग। बोल रहे हैं जब तुम ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हो तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। बिल्कुल गलत बात है। जब हम अच्छे से प्लानिंग करते हैं तो हमारा रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, तो ये चीज़ गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बार मैं आपको लिमिटेशंस भी दिखा देती हूँ। ये रही, ये पुराना रजिस्टर है, इसी वजह से नोट्स वाला थोड़ी घिचपिच हो रखी है और इसकी ऐसी हालत हो रही है, लेकिन आप फिर भी देख लो। देखो पहली वाली ये थी, एनवायरनमेंट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होती है जब पूरे एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने में, वो बार बार चेंज हो जाता है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि इसमें टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड दी लास्ट वन, इन कॉम्पिटेटिव सिनेरियो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटेटिव रेस्पॉन्स टू आर स्ट्रेटजी। हमारी स्ट्रेटजी पे कॉम्पिटिटर कैसे रेस्पॉन्ड करेगा ये भी डिफ़िकल्ट होता है एस्टिमेट करना। ठीक है, तो ये चारों होते हैं हमारे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से तैयार कर लेना। अब आते हैं MCQ नंबर 16 पर। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज, यानी कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हम डेवलप कर पाए क्या, कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये दोनों कंसेप्ट आपके चैप्टर नंबर 2 में, कोर कॉम्पिटेंसीज भी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और ये डेवलप करने में कौन हेल्प करता है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। That would facilitate, assist in its fight for survival and growth. This statement is, यानी कि सिंपल सी बात है, कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर हमारे पास हो तो हमारे सर्वाइव करने में, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन होता है मार्केट में, तो उसमें हमें सर्वाइव करने में भी हेल्प करता है और साथ के साथ ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एडवांटेज है, इम्पोर्टेंस है, लिमिटेशन है, या नन ऑफ द अबव? क्या होगा बताओ। लिमिटेशन तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करने में, तो लिमिटेशन तो बिल्कुल नहीं है। ये दोनों तो ऑप्शन कट गए। अब बताओ आप, सेलेक्ट कर लिया, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये मैंने आपको कितनी बार दिखाया है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका अगर आप फोर्थ वाला देखें तो उसमें यही है, सॉरी हाँ फोर्थ वाला ही, इट हेल्प्स टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये हो गया हमारा MCQ नंबर 16। नाउ कम टू द MCQ नंबर 17। वेलवेट लिमिटेड इज अ फुल सर्विस एयरलाइन। वेलवेट लिमिटेड किसका काम करती है, एयरलाइंस का। द कंपनी इज मेकिंग द फॉलोइंग डिसीजन। अब कंपनी को डिसीजन बना रही है, कौन कौन से, देखो। पहला, शुड आर नो फ्रिल्स लो फेयर सब्सिडरी भी सेटअप, एक तो सब्सिडरी बनाने का है। और दूसरा, इफ़ इट इज़ सेटअप, अगर ये सेटअप हो गई तो इसमें कैबिन स्टाफ किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, ये वाला डिसीजन। दो डिसीजन है याद रखना, शुड आर नो फ्रिल्स वाला, और दूसरा अगर कंपनी सॉरी सब्सिडरी सेटअप हो गई तो उसका जो स्टाफ है वो किस तरीके से रिक्रूट होगा। समझ रहे हो? अच्छा, किसी को ये नहीं समझ में आया नो फ्रिल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। मतलब कोई भी ज़्यादा फैंसी चीज़ें ज़्यादा नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो एयरलाइंस में हमें सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते हैं नो फ्रिल्स। आपको याद आया होगा ये सुनकर विजय माल्या जी का, उनकी जो एयरलाइंस थी उन्होंने बहुत हवा करी थी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी थी, उनकी वजह से आप सब लोगों को पता है आज वो कहाँ है। ठीक है, तो अच्छा है कि वेलवेट लिमिटेड इतना अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, शुड आर नो फ्रिल्स लो फेयर सब्सिडी, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, जो फेयर भी होगा वो कैसा होगा, कम होगा। तो अच्छी बात है, इनका अच्छा चलेगा। विजय माल्या जी की तरह ऐसे नहीं कि एक्स्ट्रा फैंसी चीज़ें दें और उसके बाद इतना ज़्यादा हाई प्राइस रखे, फिर तो सीधी सी बात है वो बिज़नेस डूबेगा ही डूबेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नो फ्रिल्स वाली चीज़ और ये वाली चीज़। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव डिसीजंस विल बी टेकन बाय कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, यानी कि अभी जो हमने दो डिसीजंस पढ़े थे उन डिसीजन में से कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स कौन सा डिसीजन लेंगे। कॉर्पोरेट लेवल ये वाला डिसीजंस लेंगे, ये लेंगे, या फिर दोनों लेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ कैसे रिक्रूट होगा ये थोड़ी लेंगे, ये छोटी मोटी बात है, ये कॉर्पोरेट लेवल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, सब्सिडरी सेटअप करनी है या नहीं करनी है, सब्सिडी सेटअप किस तरीके से करनी है, नो फ्रिल्स वाली करनी है या नहीं करनी है, इस तरीके के जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, कॉर्पोरेट लेवल। तो समझा, ये मेजर डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन था सब्सिडी का, कि सब्सिडी सेटअप करनी है कि नहीं करनी, करनी है तो वो लो फेयर वाली करनी है कि नहीं करनी, तो ये डिसीजन लेगा कॉर्पोरेट लेवल। लेकिन ये जो था कि कैबिन स्टाफ रिक्रूट करने वाला, ये कॉर्पोरेट लेवल नहीं करेगा, तो कौन सी करेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली। तो अब हमें देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन किस में, ओनली फर्स्ट, तो इसका है ए वाला, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 18, बिजनेस पॉलिसी टेंड्स टू एम्फेसाइज ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसका सीधा सीधा ये क्वेश्चन है आपका, बुक में से, मॉड्यूल में से दिखा देती हूँ मैं एक बार, ये रहा, बिजनेस पॉलिसी टेंड्स टू एम्फेसाइज ऑन द रेशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सीधी की सीधी आपकी लाइन उठाई गई है, कहाँ से, मॉड्यूल में से, तो इसका आंसर क्या है, रेशनल एनालिटिकल। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, रेशनल एनालिटिकल। ऑप्शन MCQ नंबर 19, विच ऑफ दीज सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। देखो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, मिस्टेक्स एंड पिटफॉल। जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो साथ में हमारे पास कोई टूल होना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सके। बहुत लोग क्या होता है, उनके साथ गलती हो जाती है लेकिन फिर वो उस गलती को लेकर बैठे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसा है, वो बताता है कि अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो, उसको ही हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है ना, समझ में आया। अब कौन सा टूल होता है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देता है, वो भी मैं बता देती हूँ, एक स्ट्रेटेजिक ऑडिट, यानी कि आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई और वो काम नहीं कर रही है, आपको वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल रहे हैं, जो आपने सोचे थे वो अचीव नहीं हो रहे, तो आप क्या करा सकते हो, स्ट्रेटजी ऑडिट। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं है, आपको टूल मिलेगा जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो, उसी टूल का नाम है स्ट्रेटजी ऑडिट। और ये स्ट्रेटजी ऑडिट सच में करवाते हैं, पता है किसने करवाया है, नेस्ले ने करवाया था, नेटफ्लिक्स ने भी करवाया था, उनकी भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही थी, उन्होंने भी करवाया था, तो उसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। और ये भी एक इम्पोर्टेंस है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब मैं दोबारा से इम्पोर्टेंस नहीं दिखा रही, दिखा दूँ कि एक बार, ये रहा 3 वाला, अगर देखो तो इट सर्विस कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स और पिटफॉल्स। तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंस था किसका, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, तो आंसर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 20, सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर विल रिक्वायर रिन्यूड एंड डिपेंड कोलैबोरेशन विद। बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की, ध्यान देना, फ्यूचर की। तो फ्यूचर में अगर उनको सक्सेस हॉस्पिटल को आगे बढ़ना हो तो वो किससे करेगा, देखो नर्सेस तो ऑप्शन होएगा ही नहीं, क्योंकि नर्सेस तो भाई वैसे भी आते हैं, फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला ही पहला एकदम करेक्ट है, फिजिशियंस। देखो एम्बुलेंस प्रोवाइडर तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर वो एम्बुलेंस के संग करता है ना तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो जब भी हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो एम्बुलेंस सर्विसेज को या डायग्नोस्टिक सर्विसेज को एक्वायर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लेकिन अगर फ्यूचर की बात आए तो याद रखना किसके संग, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, MCQ नंबर 21, हु कैन व्यूड एज द गार्जियन ऑफ शेयर होल्डर्स वेलफेयर। कौन माना जाता है शेयर होल्डर्स का गार्जियन, कौन माना जाता है आपका, कॉर्पोरेट लेवल। सिंपल सा आंसर है, देखो कॉर्पोरेट लेवल जो होता है वो बाहर वालों से सारा उसका कॉर्पोरेट लेवल ही रखता है, कौन रखता है, कॉर्पोरेट लेवल। जितनी भी लाइसेंस रहती है बाहर से, यानी कि जितना भी मेल जोल रहता है, जितना भी संपर्क रहता है गवर्नमेंट से, कॉम्पिटिटर से, सप्लायर से, ये सब कौन रखता है, कॉर्पोरेट लेवल। तो शेयर होल्डर्स का भी कौन रखेगा? कॉर्पोरेट लेवल। तो इसका ऑप्शन है ए। MCQ नंबर 22, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब यहाँ जो ऑप्शंस होंगे वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑप्शन ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा आपको वो टिक करना है। तो देखो सबसे पहला टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू क्रिएट एथिक्स इन एम्प्लॉयज, ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसको नोट से दिखा दूँ। ये ऊपर मैंने आपको अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दिखाई थी और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव। थोड़ी यहाँ पर घिच पिच है लेकिन आपको देखना, देखो जल्दी जल्दी में उस टाइम नोट्स बनाए थे तो ऐसे ही है, लेकिन आपको सिर्फ मैं रेफर करवा रही हूँ इसलिए देख लो। टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सो कंपनीज़ कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है जिससे जो हमारी कंपनी है वो आउट परफॉर्म कर पाए कॉम्पिटिटर से। टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली, कंपनी को गाइड कर सके, जिस तरीके से बहुत सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो कंपनी को गाइड भी कर सके। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना और कंपनी को गाइड करना, ये दोनों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिएट एथिक्स इन एम्प्लॉयज। उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से। 23 बहुत इजी है। स्ट्रेटेजी इज नॉट अ, क्या नहीं है? फॉर साउंड अलर्ट एंड रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसका ऑप्शन है सी। देखो इसमें ज़्यादा समझाना नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। या आपने करेक्ट इनकरेक्ट में देखे ही होंगे, यहाँ पर एक बार मैं दिखाई देती हूँ। Strategy is not a substitute for sound, alert and responsible management. It can never be perfect, flawless and optimal. तो स्ट्रेटेजी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है साउंड अलर्ट एंड रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रेटेजी बना दें और हम अपने मैनेजमेंट से कहो बेटा अब तुम घर जाओ, मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई है। तो ऐसा नहीं होता है। हमें अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ हमें एक रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट भी चाहिए जो वो उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट भी कराए। खाली स्ट्रेटेजी बना दी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसा का वैसा ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। नाउ कम टू द MCQ नंबर 24, हु इज़ मोर क्लोजर टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स के सबसे पास कौन होता है? कॉर्पोरेट लेवल तो दूर दूर तक नहीं होता, वो तो भैया ऊपर बैठा रहता है। बिजनेस लेवल भी नहीं, सबसे पास कौन होता है? फंक्शनल लेवल। छोटे आदमी छोटे लोगों से संपर्क रखते हैं, तो यहाँ पर कौन रहेगा? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यही लोग करते हैं क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं वही तो हमारा की पॉइंट रहते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से ही दिखा देती हूँ। फंक्शनल लेवल के दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन और ऑपरेशन, दे आर क्लोजर टू दी कस्टमर्स। तो इसका आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स क्लोज रहते हैं सबसे ज़्यादा कस्टमर से। 25, हु सेड दैट आई बिलीव वी डू अ फार बेटर जॉब ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देन एनी कंपनी आई नो। ये लोग मुझे, ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक का, ये मुझे आप बताएंगे। ये क्वेश्चन मैंने जब कम्युनिटी पर पोस्ट किया था, सब लोगों ने रिचार्ड साइलेट को छोड़ के बाकी सब पे क्लिक कर दिया। बताओ क्या करूं मैं आप लोगों का। मतलब एक ने शायद आंसर दिया होगा, बाकी मुझे नहीं लगता किसी ने भी, सब ने इस पर लगाया था आइगोर एचेंसॉफ पे। क्या यार तुम लोग, चलो मैं सारे आंसर इसका आप पता ही चल गया होगा। मैंने बोल ही दिया कि रिचार्ड साइलेट पे आप लोगों ने नहीं लगाया, इसका मतलब रिचार्ड साइलेट ही इसका आंसर है। और ये बुक में से एक बार दिखा देती हूँ कहाँ पर है, यहीं कहीं था, ये रहा। आई बिलीव वी डू अ फार बेटर जॉब ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देन एनी कंपनी आई नो। ये किसने कहा था? रिचार्ड साइलेट ने। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। बाकी आइगोर एसेंसॉफ ने भी कुछ कहा था, एक बार मैं दिखा देती हूँ वो भी, ये रहा। एक इनका था, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है विलियम एफ ग्लुएक ने। ये विलियम एफ ग्लुएक भी आपको दिख रहे होंगे नेक्स्ट। विलियम एफ ग्लुएक ने जो था स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन दी थी ये वाली, अ यूनिफाइड कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू अश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड, ये किसने डेफिनेशन दी थी? विलियम एफ ग्लुक ने। और माइकल पोर्टर आपके चैप्टर नंबर 5 बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में, इनको ध्यान से कर लेना, इनकी दो है, एक इन्होंने दी थी जेनरिक स्ट्रेटजी और एक थी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, दोनों पोर्टर्स की थी, ये ज़रूर अच्छे से कर लेना, चैप्टर नंबर 5 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका क्या हो गया आंसर आपका? ए ऑप्शन करेक्ट, रिचर्ड साइलेट। आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 26, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगेन वही क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक बार आप बिना देखे बताना, मैंने हाथ रख लिया। एक था क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और दूसरा कौन सा था? सोचो सोचो, गाइड कंपनी सक्सेसफुली। ठीक है, अरे ये तो ऑप्शंस भी सेम ही है, यानी कि ये कॉपी पेस्ट हो गया है, मुझे लग रहा है दो बार आ गया है। तो देखो ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? सी वाला, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ये यहाँ पर भी था, सेम MCQ दे रहा, 22 से सेम है। आगे बढ़ते हैं 27, विच इज़ अ यूनिफाइड कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिज़ाइन किया गया है किस लिए? टू अश्योर दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज आर अचीव। ये डेफिनेशन मैंने आपको अभी अभी दिखाई थी, याद होगा, देखो मेरे बुक में भी अभी भी खुली हुई है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? विलियम एफ ग्लुक ने। और ये डेफिनेशन किसकी थी? स्ट्रेटजी की। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसकी थी? स्ट्रेटजी की। किसने दी थी ये डेफिनेशन? विलियम एफ ग्लुक ने। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 28, होल स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप ऑफ हेल्थ केयर इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ। पूरा का पूरा हेल्थ केयर का लैंडस्केप किसकी वजह से चेंज आया? देखो डॉक्टर्स तो पहले भी थे, अब भी है, नर्सेस पहले भी थे, अब भी हैं, पेशेंट्स पहले भी इलाज कराने आते थे, अभी भी कराने आते हैं, तो किसकी वजह से चेंज आया है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंटरनेट। आज इंटरनेट की वजह से हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा चेंज आया है कि मतलब पैथोलॉजिकल जो लैबोरेटरीज़ है वो घर के घर डोर टू डोर सैंपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो हेल्थ सर्विसेज दी जाती है वो इंटरनेट के ज़रिए दी जा रही है, घर में मॉनिटरिंग हो जाती है, ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, इंटेल वगैरह ने स्टार्ट भी किया है। तो इसका मतलब सब कुछ चेंज हो रहा है किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। नाउ कम टू द MCQ नंबर 29, in competitive environment it is difficult to clear estimate about firm's strategy। यानी कि फर्म ने कोई स्ट्रेटजी बनाई तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है उस पर कॉम्पिटिटर किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा। तो इसका आंसर आपको मिल गया, कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स। ये आपकी क्या है? ये आपकी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की एक लिमिटेशन है कि हम लोग जो एस्टिमेट करते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि हमारी स्ट्रेटजी में कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स कैसा रहेगा। नाउ कम टू द MCQ नंबर 30, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ख़त्म होने वाले हैं चैप्टर 1 के MCQ। कैसा हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलो लास्ट MCQ फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज कंसिस्ट ऑफ। कॉर्पोरेट लेवल में क्या क्या आता है, कौन कौन इंक्लूड होता है? BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, कॉर्पोरेट स्टाफ, तो सब के सब होते हैं, इसलिए इसका आंसर है D, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपके सारे MCQs बहुत अच्छे से हुए होंगे, कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होगी, और कंसेप्ट भी जो आपके वीक थे वो भी अच्छे स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। तो अगर इस तरीके से एंजॉय किया है, ये एक्सपीरियंस आपको मिला है, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, साथ के साथ मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये आपको अगर MCQ बुकलेट चाहिए तो आप ये अवेलेबल है जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप पर, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हो, दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको बाकी की सारी भी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।